5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही हम हाथी का झुंड देखा, वो भी एक नहीं, 4, 5, 6 हाथी देखा टोटल। इधर से हार्डली 6-5-6 किलोमीटर रहेगा और इधर हम कैंप करने वाले हैं ओवरनाइट। क्या इसमें तुझे डर नहीं लगता है? डर लग रहा है, लेकिन पापा है ना। आ, पापा तो हाथी के ऊपर चढ़ जाएंगे रात को आएगा तो ना? नहीं। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपको स्वागत करता हूँ लाइफ टू एक्सप्लोर में। जिस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार था वो दिन आज है, कैंपिंग वाला डे। मतलब कब से सोच रहे थे कैंपिंग जाए, वो मौका नहीं मिला हम उत्तराखंड ट्रिप में, और अभी हमको मौका मिला, हम जा रहे हैं कैंपिंग। वो भी नॉर्मल वाला नहीं, जंगल वाला कैंपिंग, पूरा टाइगर रिजर्व के अंदर। अंदर है कि साइड में है या पास में है वो इतना डिटेल में नहीं पता, वो तो उधर पहुंचने के बाद मालूम पड़ेगा। हम जा रहे हैं बीआर हिल्स। इधर से 150 किलोमीटर है, अभी टाइम फिलहाल हो रहा है 5:45। गाड़ी निकलते निकलते तो 6 ही बज ही जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ दिखेगा, बहुत दिन से वो मिस कर रहे थे। पहली बार जब गए थे बीआर हिल्स, उधर तो बच्चे लोग पहली बार सब जानवर दिखती, सिर्फ शेर को छोड़कर। हाँ, बहुत सारा जानवर दिखा था, तो उम्मीद करते हैं आज भी दिखेगा। मतलब 2 दिन का प्लान है, तो बिना लेट किए चलो निकलते हैं। 6 ही बज रहा है, 5:45, तो पहुँचते पहुँचते तो उधर 10 o'clock हो जाएगा शायद। 4-5, 3-4 घंटे तो लग जाएगा। आयुष्मान रेडी? कैंपिंग कैंपिंग, सुपर एक्साइटेड। सनराइज दिख तो नहीं रहा है, तो बिल्डिंग है। आयुष्मान का बेड रेडी है, वो थोड़ा टाइम में सो जाएगा लगता है। 4 बजे उठ गया ना इसलिए। अभी हमारा एंट्री हुआ बीआर हिल्स। एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है बिल्लीगिरी रंगस्वामी बिट्टा। बिट्टा मतलब कर्नाटका में जो हिल्स को बिट्टा बोलते हैं कर्नाटका में, कन्नड़ा में। तो टाइम तो हो गया 10 o'clock ना? हाँ, 10 o'clock के आस पास, 10 o'clock के ऊपर हो गया। तो ये टाइम पे वाइल्ड लाइफ दिखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, सुबह शाम। सुबह सुबह, हाँ, मतलब जितना सुबह हो सके, 5-6 बजे ऐसा अगर पहुँच जाएंगे तो चांसेस रहता है। और ऐसा कर्नाटका ये सब, ये जितना भी वाइल्ड लाइफ है, सेंचुरी बीआर हिल्स हो गया, बंदीपुर, मुदुमलाई, नागरहोली, मुदुमलाई तो तमिलनाडु साइड पे है, तो इतना सारे में आप अगर जल्दी जल्दी आओगे मॉर्निंग में 100% दिखता है वाइल्ड लाइफ। हमारा तो बहुत, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस है। पता नहीं आज दिखेगा कि नहीं, इतना मतलब 10 o'clock होगा ना, इतना धूप में ना नहीं दिखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, नाउ यू हैव टू टेक इट ऑल द वे अप। ओके ओके, दैट्स इट, राइट? नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू सी दैट हंप ओवर देयर, या जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस यस, ओके। वी जस्ट रीच्ड द कैंप साइट। और बीआर हिल्स का जो फॉरेस्ट गेट, जब आप एंटर करोगे उसके बाद एग्जिट करोगे, उसका बाद शायद 1/2 किलोमीटर ही रहेगा। इधर एक और होटल है ना, मयूरा बिलीगिरी, उसके आसपास ही है, मतलब 300-400 meters में आप देख रहे हो, राइट, कैंप साइट। मैं वैसे पूरा एक डिटेल वीडियो दिखाऊंगा, पहले चलते हैं वेलकम ड्रिंक्स
थोड़ा पी लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू, एंजॉय योर स्टे। आयुष्मान तो आते ही शुरू हो गया उसका। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये लोकेशन, एकदम सेक्लूडेड लोकेशन है, मतलब मुझे जैसा टाइप पसंद है, पूरा सेक्लूडेड, ऐसा कुछ सारे फीचर्स फैसिलिटीज़ एक्टिविटीज़ वैसा टाइप मुझे नहीं पसंद। मुझे पूरा नेचर में रह के उसको फील करना, पूरा फॉरेस्ट एरिया है चारों तरफ, ओब्वियसली इससे प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उसके बीचों बीच आप अगर वो कैंप साइट देखोगे, कैंप साइट के जस्ट फ्रंट में आपको दिख रहा है कैसा पॉन्ड बोल सकते हो, इवन इवनिंग को ये जगह पे इवन वाइल्ड लाइफ भी स्पॉट किया हुआ है दो चार बार, मतलब रिसेंटली किया है, शायद कल सुबह ही एक हिरन, शायद स्पॉटेड डियर था या बार्किंग डियर था, मैं फ़ोटो डाल दूँगा साइड में, तो वो वाला मतलब वाइल्ड लाइफ तो आते ही रहते हैं, ओब्वियसली फॉरेस्ट है, ऐसा कोई तो बाउंड्री है नहीं। बहुत ही मतलब प्यारा जगह है यार, मुझे बहुत ही पसंद आया। अभी देखो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस कैसा, मतलब हम सोच रहे थे कि कोई वाइल्ड लाइफ जगह पे जाएं कैंप करें, जैसे उत्तराखंड से आए ढूंढ ही रहे थे कि एक तो बीआर हिल्स नज़दीक रहता है, नहीं तो बंदीपुर नागरहल वो साइड पे जाके कुछ किधर कैंपिंग करें, सेम टाइम पे होम स्टे का ओनर उनका इन्वाइट आ गया, हमारे कैंप साइट पे आओ देख लो किधर कैसा जगह है, आप इधर स्टे कर सकते हो। तो मैंने बोला चलो, मतलब बोलते ना सोने पे सुहागा, मैं सोच ही रहा था, उनका मैसेज भी आ गया और हमारे सब्सक्राइबर भी है, व्यूअर्स भी है, तो बातचीत हुआ अभी पहुंचने के बाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गौतम बुद्ध जी की एक मूर्ति है इधर पेड़ के नीचे। एक काम करता हूँ मैं आपको ना, ये पूरा प्रॉपर्टी मेरे स्टाइल में दिखाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, आयुष्मान के लिए वॉकी टॉकी भी मिल गया, उनका कम्युनिकेशन के लिए, मानो आपको जो इधर का केयरटेकर है उनसे बात करना है, तो इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, वो किधर रहेंगे ना, तो उनके लिए वो वॉकी टॉकी, लेकिन आयुष्मान को इसको तो खेलने में यूज़ करना है। क्या आयुष्मान, अमेज़न में मिल रहा है क्या? ये देखो। हाँ भी उसमें ही करना है। उसके लिए ये नया चीज़ है ना, है कि नहीं? अभी बाप बेटे दोनों का ना शुरू हो गया है छुपन छुपाई खेलना, हाइड एंड सीक। देखिए दोनों के पास ना वॉकी टॉकी है, इसलिए वो मजा आ रहा है खेलने के लिए उनको। और तो इधर तो ना मस्त सा हवा चल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, इतना शांत लोकेशन है ना, मन कर रहा है इधर ही हम तो रुकेंगे, इधर ही रात को दो चार दिन इधर ही रुकना ही नहीं, इतना पूरा शांत सा माहौल है ना, बहुत ही मन होता है। अभी आयुष्मान का काउंट चल रहा है। वो पकड़ लिया उसके पापा को। हमारे टेंट के सामने से ही आप नज़ारा देखिए, लेक पूरा है। वो भैया बोल रहे हैं कि रात को या शाम को सुबह जानवर आते हैं उधर पानी पीने के लिए, पता नहीं हमारा नसीब अच्छा होगा तो दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I thought I can come this side. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Where are you, Ayushman? I'm inside a jungle. That I know, you are inside a jungle. It is too much and it's very scary. Oh, is it? You can't find me here. You can't find me. I can hear some noise of moving objects. Moving animal or maybe a human being. Somewhere from this side. I can see Iceman! Here it is! You found me? Very difficult spot. Yes. अगर ये हवा नहीं चलता तो हालत खराब हो जाती है। मतलब इतना गर्मी है, बहुत ही गर्मी लग रहा है, तेज धूप है, लेकिन कांस्टेंट हवा, तेज हवा चल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। ऐसे हम हमारा सारे ब्लैंकेट तो कैरी करते ही हैं खुद का, और स्लीपिंग बैग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वैसे स्लीपिंग बैग भी सोच रहे हैं, स्लीपिंग बैग लेके आ जाए, लेकिन ये थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है ना उसमें से। नहीं, स्लीपिंग बैग रखेंगे क्योंकि इमरजेंसी के लिए, हमारा गाड़ी में रहना चाहिए ना हमेशा। बाय चांस मानो किधर कैंप करने का मन किया और ये सारी चीज़ हमने कैरी नहीं किया तो वो तो काम हो जाएगा ना हमारा। वैसे भी स्लीपिंग बैग साउथ इंडिया में जरूरत नहीं है। हाँ, वो जितना गर्मी है। अभी जब जाएंगे तब वो फैन लेके आए कि नहीं? हाँ, लेके आए। फैन है ना? हमारा यूएसबी वाला फैन है, लेकिन उसको हम सोच रहे थे कि हमारा जो नाइट विजन कैमरा है उसको लगा के रखें करके रात भर, अगर वो लगाएंगे तो फैन रहेगा क्या? हाँ, वही सोच रहे। मतलब ऐसे क्यूरियोसिटी राइट, पता नहीं रात को कुछ भी हो सकता है, कौन सा भी जानवर छोटा मोटा आ सकता है, अगर आएगा तो कैप्चर हो जाएगा, वही आइडिया था। देखते क्या होता है। चलो यार, फिलहाल खाना खाते हैं, भूख लग रहा है, टाइम भी हो रहा है, तो खाना खाते हैं, देखते हैं खाने में क्या है। इधर ना, मतलब जो लोकेशन पे ये कैंप साइट वो सबसे अच्छा लगता है, ये जगह पे बैठ के ये व्यू के साथ लंच करना, लंच चाहे कैसे भी हो मज़ा ही आएगा। तो एकदम सिंपल सा लंच, राइस, सलाद, सांभर, पापड़, दही, हाँ पिकल है, और ये शायद बैंगन फ्राई। और इतना तेज़ हवा चल रहा है कि एक दो पापड़ तो उड़ भी गया, तो इसीलिए ना उड़े इसीलिए हम उसके ऊपर स्पून रखे हुए हैं, जैसे ही वो स्पून निकालेंगे ये उड़ जाता है। काफ़ी तेज़ हवा है, ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं राइट। ये देखो, बाप रे, पापड़ तो पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जाएगा उड़ के। आयुष्मान, तेरा पापड़ उड़ जाएगा देख के, उसका तो पक्का उड़ के जाएगा, वो पकड़ा है क्या? इधर रख देने दो प्लेट। अच्छा, देखते हैं अभी। एकदम सिंपल सा फूड है। चलो बैठ के खाते हैं। हाँ हाँ, अभी टाइम हो रहा है 2:00, 2:00 हो रहा है सर ना? हाँ हाँ, 2:00 हो रहा है, 1 घंटा हम रिलैक्स करेंगे, 3 बजे हम जाएंगे जंगल में, हमारा लक आजमाने, जानवर कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, एक राउंड मार के इधर से चमराज टुवर्ड्स चमराज नगर, बीआर हिल से चमराज नगर का जो रास्ता है ना वो नहीं, हम जो पहली बार आए थे ना वो क्या था पता नहीं, ये के लिए गए थे ना क्या, सफारी के लिए गए थे। हाँ, वही टुवर्ड्स चमराज नगर में ही बीच में आता है सफारी वाला, सफारी तो आज नहीं करेंगे, होगा तो कल करेंगे, आज ऐसे ही राउंड लगा के आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हम सफारी किए थे और सफारी में एक भी जानवर नहीं दिखा, और सफारी से निकल के आ रहे थे
पूरा इतना झुंड, पूरा गौर का था, उसके बाद हाथी, उसके बाद हिरन। वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग ना पूरा लक के ऊपर रहता है, तो इसीलिए वो थोड़ा ऑल डिपेंड्स अपन लक। देखते हैं, चलो फिलहाल तो रिलैक्स करते हैं। थोड़ा फॉरेस्ट होके आ ही जाते हैं, टाइम 3:15 और 6 बजे से पहले वापस आना है, नहीं तो गेट बंद हो जाता है। इसलिए के गुड़ी नेचर कैंप है वो थोड़ा आगे, इधर से 15 किलोमीटर, एक ड्राइव जस्ट उधर से होके आ जाएंगे। अगर नसीब अच्छा रहा तो कुछ वाइल्ड लाइफ स्पॉट होंगे, आपको भी दिखा देंगे। चलो रास्ता भर एलिफेंट डंग दिख रहे हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं दिख रहे। 4-5 किलोमीटर हम आए रहेंगे। ये वैसे 500 स्क्वायर किलोमीटर का एबोव का जंगल है, इतना बड़ा जंगल। और ये जो बीआर हिल्स का फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व है, और वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट को कनेक्ट करती है ये वाला, ये जो बीआर हिल्स वाला फॉरेस्ट है। तो मतलब एलिफेंट्स हमारा वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट तक आते जाते रहते हैं, जीन ट्रांसफ़र भी होता है। तो इतना इम्पोर्टेंस है ये जगह, डिपेंड्स यार इतना, मतलब वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग तो मैं जैसे बोला कि लक की बात है। दिखी गया हाथी हमको, और एक हाथी उधर, ये दो ये इधर एक है, उधर एक है। सी आयुष्मान कैसा खा रहा है, पूरा सब इकट्ठा कर रहा है फिर मुंह में ले गया। देखो कैसा खा रहे पूरा। लास्ट टाइम हम इधर आए थे ना, तो इधर हिरन विरन सब घूम रहे थे, यही जगह पे पूरा हिरन घूम रहे थे। और इधर तो एक आर्टिफिशियल पॉन्ड जैसा ही लग रहा है, ये पता नहीं वो एनिमल्स के लिए कर रहे होंगे पानी पीने के लिए। इधर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का क्वार्टर्स है एक्चुअली, जो बीआर हिल्स का ना, इधर मैं पोस्ट ऑफिस भी देख रहा हूँ, तो बहुत सारा ऑफिस। और इधर से एक्चुअली सफारी भी होता है, लास्ट टाइम हम सफारी गए थे तो वैसे तो कुछ दिखता नहीं है, ऑल डिपेंड्स अपन लक। तो इसलिए ये बार सफारी सफारी नहीं जाएंगे, होगा तो देखते हैं कल सुबह देखेंगे। अभी तो टाइम हो गया, वैसे अभी तो हमको हाथी भी दिख गया, बीआर हिल आने का सफल हो गया एक्चुअली, क्योंकि हमको वाइल्ड लाइफ दिख गया एक ही सही। आयुष्मान को कैसे लगा हाथी देखकर? आयुष्मान तो बोल रहा है और 10 किलोमीटर के स्पीड में चलाओ, मतलब पहुंचेगा ही नहीं किधर, उसको देख देख के जाना, ऐसा लग रहा है हर जगह उसको कुछ ना कुछ दिखता है। पांच हाथी देखा, यस पूरा एलिफेंट फैमिली भी था आयुष्मान ना, एलिफेंट का बच्चे के साथ देखा आयुष्मान ने, आयुष्मान जैसा ही था, मम्मी पापा के साथ आयुष्मान जैसा एक बच्चा था। वो बेबी आयुष्मान का, वो बेबी एलिफेंट को आयुष्मान दे देंगे उसका नाम। Thank you.
छः बजे से पहले हम वापस आ गए। वैसे थोड़ा हेयर स्टाइल इग्नोर करो क्योंकि इतना हवा चल रहा है कि सब इधर उधर और कुछ लोकल स्वीट्स अरेंज किया एज ए क्या बोलते हैं हाई टी जो कुछ भी है स्नैक्स टाइप। ये क्या होता है आड़ी सालू, ये हमारे ओडिशा में बोलते हैं ना आड़ीसा पिठा। आड़ीसा पिठा हाँ सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ होल है बीच में हाँ। उनका डिजाइन अलग हाँ, और ये तो हमारा चकली क्या बोलते हैं मिक्सचर कॉर्न वाला। और मैं होस्ट जी से मिलवाता हूँ, क्लिप्टन जी हाय बोल दीजिए। हाय चाय लेके आ गए, चाय बहुत ही बढ़िया खातिरदारी कर रहे हैं कब से ऑलरेडी आप लोगों ने क्लिप्टन जी से तो मिल चुके, तो अभी पूछते हैं इनको इनके कैंप साइट के बारे में। क्लिप्टन जी हिंदी नहीं पता तो वो इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, होपफुली यू गाइस हैव नो प्रॉब्लम। सो क्लिप्टन जी मतलब आपके कैंप स्टे के बारे में बताइए। दिस इज़ अ बेसिक कैंप स्टे, वेरी कनेक्टेड टू नेचर एज यू कैन सी ऑल अराउंड व्हाट नेचर प्रोवाइड्स। It's our gift for us to enjoy, not destroy nature. And let me tell you something about the stay. Like I give you a basic camping stay with tents. I provide you food and we only work on solar lights. So in case you want to charge your mobile or anything, we do have a room downstairs where you could charge your mobile. It's okay. A secure room. Okay. So where exactly this homestay is located? It's located in BR Hills, very close to the temple. In fact, you can say at the backdrop of the temple it's located. Okay, yes, because even within some 5-10 minutes drive, I can just You could go up there. If you want to go by a four-wheeler, you can go by four-wheeler. You want to go by two-wheeler or a cycle, you could go, or you could take the stairs. Stairs will take you 15 minutes, yes. And the as four-wheeler will take you 5 minutes. और बाकी का डिटेल तो वैसे आप लोग देख ही लोगे, बाकी और क्या क्या फैसिलिटीज है पूरा अगर ब्लॉग देखे रहेंगे अभी तक तो ऑब्वियसली आपको मालूम पड़ गया रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा लिप्टन जी, आपने होस्ट किया और इतना सारा खातिरदारी कर रहे हैं, अभी तो कैंप फायर का इंतजाम कर रहे हैं। अभी टाइम हो गया सर, तो अभी सन हैज टू सेट लिटिल टाइम, लिटिल मोर टाइम देन वी विल पुट द कैंप फायर इज कमिंग अप एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अस टुडे श्रीनाथ। आई होप यू प्लीज कम अगेन। या डेफिनेटली प्लीज कम अगेन, थैंक्स अ लॉट, वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। हो गया अंधेरा पूरा, लेकिन लाइट का भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, पूरा मतलब हाई पावर लाइट है जो कि दिख रहा है पूरा एरिया। अरे मैं तो जल्दी जल्दी में मतलब आपको टेंट दिखाना ही भूल गया, सब कुछ दिखा रहा हूँ टेंट नहीं दिखाया, तो टेंट भी दिखा लेता हूँ आप लोगों को। तो ये केचुआ का आई थिंक 4% टेंट है, काफ़ी बड़ा वाला टेंट है, काफ़ी स्पेशियस है ना, एकदम स्पेशियस है। आयुष्मान लाइट मैनेजमेंट काम पर लगा हुआ है थोड़ा, जुगाड़ कर लिया लाइट का। इन्होंने भी दिया है लाइट, हमारा भी लाइट लगा दिया हमारा उनका भी लाइट है, हमारा भी लाइट का अरेंजमेंट है, सोलर लाइट, हमारा टॉर्च लाइट। वैसे हमारे पास और एक लाइट है जो कि अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि इधर सफिशिएंट लाइट था, और बाकी हम उन लोगों तो मैट वेट है। तो एक्चुअली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद का स्लीपिंग बैग हो या जो कुछ भी हो खुद का लेके आओ, मैट हो या क्या बोलते हैं उसको, वही स्लीपिंग मैट, स्लीपिंग बैग या मैट जो कुछ भी है। ये लोग देखो अंदर आ गए वैसे भी बाहर ठंडी हवा चल रहा है ना, वैसे तो मुझे ज्यादा ठंड लग रही है तो मैं अभी ही आया वैसे भी बाहर से ना। ये देखो इसमें से समझ में आ रहा है ना मतलब इतना तेज हवा चल रहा है, सब कुछ आगे पीछे हो रहा है इतना ठंड हवा चल रहा है कि कोई लगता है कोई जानवर आ गया नहीं विशे, वैसे बाहर भी ना काफी अच्छा लाइटिंग है, मैं तो बाहर ही बैठूंगा अभी तो फिलहाल, अंदर आने का कोई मूड में नहीं हूँ मैं। हो चांद भी दिख रहा है बढ़िया सा, बहुत ही मजा आ रहा है। टेंट तो दिखा दिया आपको, जो वॉशरूम है वो मतलब सिंगल वॉशरूम है, तो ग्रुप में आओगे तो शायद थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, और वॉशरूम के लिए ना 200 मीटर आपको जाना पड़ेगा, उधर किचन और वॉशरूम थोड़ा सा दूर है इधर से। क्या आयुष्मान कैंपर चाहिए आयुष्मान को, वेट कर रहा है। ओके हवा चार चांद लगा दिया यार सच में कैंप फायर का वक्त आ गया,
तो ये लोग देखो बाहर आ गए, जैसे ही कैंप फायर का नाम सुने फिर बाहर आ गए। आयुष्मान तो सुपर हैप्पी। चलो लाइट करते हैं कैंप फायर। फिर हमारा ये वाला गैजेट भी काम आएगा कैंप फायर बंद करने के लिए। ये भाई इमीडिएटली आयुष्मान, वेरी हैप्पी आयुष्मान। हाँ हाँ हाँ, अभी तो मजा आ रहा है ना बैठने के लिए। ऐसा बिग स्टिक ज़्यादा मत डाल, थोड़ा 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 डालेंगे तो ज़्यादा टाइम जलेगा। आहा, अभी मज़ा आ रहा है ना। हमको तो वैसे लग नहीं रहा था सुबह जितना गर्मी था कि इतना ठंड होगा करके। हाँ ठंड, ये हवा की वजह से ही ज़्यादा ठंड लग। हाँ यस यस करेक्ट। आयुष्मान को जैसा चाहिए था वैसा हो गया। अभी ठीक लग रहा है आयुष्मान? इधर उधर थोड़ा सा ज्यादा गर्मी है, इधर ठीक लग रहा है थोड़ा ऊपर। 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही हम हाथी का झुंड देखा, वो भी एक नहीं 4-5-6 हाथी देखा टोटल। इधर से हार्डली 5-6 किलोमीटर रहेगा और इधर हम कैंप करने वाले हैं ओवरनाइट। क्या इसमें तुझे डर नहीं लगता? डर लग रहा है लेकिन पापा है ना। आ, पापा तो हाथी के ऊपर चढ़ जाएंगे रात को आएगा तो ना? नहीं। आयु चढ़ जाएगा। वो डर जाएगा हमारे ऊपर। और ये कैंप फायर, वो भी लास्ट टाइम भी कैंप किए थे, वो कैंप के कौन फैंसी के होकर ये हाथी का झुंड गया था ना, हाथी और गौर का। हाँ वो मसीनागुड़ी में कैंप किए थे, कैंप के साइड में ही चला गया। हाँ। हाथी भाग भाग के। हमारा डिनर भी रेडी, दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है खाने में। चपाती, ये स्मैश पोटैटो आयुष्मान का फेवरेट, ये बीट फ्राई, और ये सांबर, और ये चिकन कबाब सिर्फ आयुष्मान और पापा के लिए, मामा नहीं खाती है सैटरडे को नॉनवेज। हमारा चल जाएगा क्या आयुष्मान? हाँ। ओके। और सामने कैंप फायर चल रहा है अभी तक, और इधर तक इसका गर्माहट आ रहा है। अच्छा आयुष्मान को तो पोटैटो हो गया तो कुछ चाहिए नहीं बाकी। ये बीट भी है, बीट भी हो जाएगा, बीट भी स्वीट लग रहा है ना। डिनर हो गया कंप्लीट और हम आ गए टेंट के अंदर, क्योंकि बाहर हवा चल रहा है, कैंप फायर भी बुझने वाला है तो ठंड लग रहा था। अंदर आगे, अरे आप लोगों तो पैसा कितना वो बताना भूल ही गए। 1900 है पर हेड, वो ऑल इंक्लूसिव मतलब लंच डिनर इंक्लूडेड है वो प्राइस में। वो बोला कि 1900 से 2100 सीजन के हिसाब से डिमांड के हिसाब से अप डाउन होता रहेगा। कल भी हम इधर स्टे कर रहे हैं, इधर मतलब बीआर हिल्स में ही स्टे कर रहे हैं। कहाँ स्टे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इवन इधर का जो सुबह का नज़ारा है वो भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पूरा ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो आयुष्मान सो जाते हैं। रात को आएगा हाथी, हाथी आएगा, हाथी आएगा आयुष्मान को जगाने के लिए। नहीं तो चीता आएगा।